मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल के 2500 पुण्य स्मरण दिवस पर बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल फ्रूट का वितरण किया गया। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने निर्भय सिंह पटेल द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों का बखान किया। मंगलवार को हुए इस आयोजन में नगर के राजवाड़ा चौक स्थित निजी गार्डन में स्वर्गीय श्री दादा निर्भय सिंह जी पटेल का 2500 रजत जयंती पुण्य स्मरण दिवस मनाया गया, जहां पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं मुख्य अतिथियों ने स्वर्गीय श्री निर्भय सिंह पटेल के कार्यकाल पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कार्यकाल को याद करते हुए भावुक हो गए। उसके पश्चात पार्टी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किया। इस अवसर पर पार्टी के समस्त वरिष्ठ और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज श्रद्धेय दादा निर्भय सिंह जी पटेल साहब की 25वीं पुण्य समारोह मनाया गया, जिसमें गुरु नानक मंडल बेटमा में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गोपाल सिंह जी चौधरी साहब पधारे। उनके साथ में मित्र और दोस्त के साथ साथी के रूप में काम किया। उनको पूरे समय राजनीतिक क्षेत्र में मदद करी, जन सेवा करी। दादा ने राजनीति के व्यक्ति रह करके यहाँ पर कार्य नहीं किया, दादा ने समाज की सेवा के रूप में कार्य किया। और एक गरीब व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में खड़ा, पीछे का एक एक व्यक्ति जिस तक पहुँच करके काम किया। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक एक को अपने साथ में रख करके उनके स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुँचे, उनको सम्मान हर जगह पे सम्मान मिले, उनके काम किए जाए और उनकी पूरी चिंता करके काम किया। ऐसे दादा निर्भय सिंह जी पटेल को गुरु नानक मंडल 25वां रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज मनाया है हम दादा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।